स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेरोप्सिडा के बारे में। टेरोप्सिडा क्या है? प्लांट्स का एक ग्रुप है जिसे कहा जाता है टेरोप्सिडा। अब ये जो टेरोप्सिडा हैं, इनके अंदर कौन से प्लांट्स आते हैं ये हम देख लेते हैं। टेरोप्सिडा जो है ये एक अबंडेंट ग्रुप है और इसके अंदर सिर्फ वो प्लांट्स आते हैं जिनके अंदर सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते, यानी कि ये सीडलेस प्लांट जो है इस टेरोप्सिडा के अंदर आते हैं। और इस टेरोप्सिडा के अंदर जो है वो एक क्लास है जिसे कहा जाता है फिलिसिनई। अब ये जो फिलिसिनई है इसके अंदर क्या आती हैं? इसके अंदर आती हैं फर्न्स। अगर यहाँ पे आप अपने सामने इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये क्या है, ये एक फर्न की डायग्राम है। और ये फर्न जो हैं ये क्या हैं, ये टेरोप्सिडा हैं जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा गार्डन्स में जो है गमलों के अंदर इस तरह के प्लांट जो है वो कल्टिवेट किए होते हैं। ये क्या है, ये फर्न्स होती हैं। और अगर आप इनके इस ग्रुप की बात करें जो कि फर्न से ताल्लुक रखता है, तो इनके अंदर इसके अलावा जो है वो 12,000 स्पीशीज जो है वो और भी मौजूद है जो कि इसके अंदर मौजूद होती हैं। इसकी अगर आप प्लांट की बॉडी की बात करें जो कि आपको नजर आ रहा होता है, तो ये जो इसकी प्लांट बॉडी होती है इसे कहा जाता है, ये इसका गेमिटोफाइट है। अब इसका जो गेमिटोफाइट है जिसमें इसके इस तरह के जो है लीव्स शामिल हैं और इसकी रूट शामिल है, पूरी प्लांट बॉडी शामिल है, इसके ऊपर जो है इसका एक और जनरेशन मौजूद होती है जिसे कहा जाता है कि ये इसकी क्या है, ये इसकी स्पोरोफाइट है। और ये जो स्पोरोफाइट जनरेशन है इसकी, ये इसकी गेमिटोफाइट के मुकाबले में ज्यादा लार्ज होती है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अलावा अगर आप इसके फीचर्स की बात करें तो इन्हीं के लीफ की, अगर हम इन लीव्स को जो है वो उल्टा करके देखें तो आपको जो है वो इस किस्म के इसके लीव्स जो है वो नजर आएंगे। और ये जो इसके लीव्स हैं इनके निचली वाली साइड पे इस तरह के सर्कुलर सी जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये स्पोरेंजिया है। और ये जो स्पोरेंजिया होते हैं, ये जो ब्राउन से स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये स्पोरेंजिया है। और इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो स्पोर्स होते हैं ये क्या है, ये होमोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस का क्या मतलब है, होमो का जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम, और जो स्पोरस वर्ड है इसमें इसका मतलब है कि ये स्पोर प्रोड्यूसिंग है। यानी कि ये जो दो वर्ड है होमो एंड स्पोरस, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे वो सारे के सारे जो है वो एक जैसे होंगे, उनके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये होमोस्पोरस, जब इसका स्पोरेंजिया जो है वो स्प्लिट होता है तो इसमें से स्पोर्स जो है वो निकल जाते हैं और ये जो स्पोर्स हैं वो क्या बना देते हैं, दोबारा से एक नई प्लांट बॉडी जो है वो बना देते हैं। अब अगर हम इसके अंदर स्पेसिफिक फीचर की बात करें जो कि फर्न्स के अंदर है, तो फर्न्स के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके अंदर जो है, यहाँ पे आप देखें कि इनके जो लीव्स हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जो कि है फ्रॉन्ट्स। जो इसके लीव्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये इसके फ्रॉन्ट्स हैं। और जो इसका स्पोर्स से जो इसका स्पोरोफाइट डिवेलप होता है जिसपे इनके स्पोर्स जो है वो बनते हैं जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं, वो इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि वो निचली जो प्लांट बॉडी होती है उस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इसके अलावा अगर आप इसके लीव्स की यहाँ पे देखें तो ये गोल गोल से हुए हुए हैं। ये गोल गोल से जो लीफ हुए हुए हैं इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सिरसिनेट विनेशन। यानी कि सिरसिनेट विनेशन क्या होती है, जब लीफ जो है वो इमेच्योर होता है, यानी कि जब फ्रॉन्ट जो है वो इमेच्योर है, तो तब क्या होते हैं, ये थोड़े गोल गोल हो जाते हैं, सर्कुलर हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये बड़े होने लगते हैं, जैसे जैसे ये मेच्योर होते हैं, तो ये जो इनका सर्कुलर सी स्ट्रक्चर होती है ये खुलने लग जाती है और पूरा इस तरह से स्ट्रेट जो है वो आपको फ्रॉन्ट जो है वो नजर आता है। ये जो इसका स्पेसिफिक फीचर है सिरसिनेट विनेशन का, ये सिर्फ फर्न्स के अंदर मौजूद होता है और ये इनका एक डिस्टिंक्टिव फीचर है, यानी कि एक उनका नुमाया फीचर है जो कि बाकियों के अंदर नहीं होता और सिर्फ इसके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा जो एक और इनका फीचर है वो क्या है कि इनके अंदर फोलियर स्पोरेंजिया मौजूद होता है। फोलियर स्पोरेंजिया का क्या मतलब है, यानी कि जहां पे इनके स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिस चीज के अंदर वो भी बिल्कुल फोलियर होता है, लीफ की तरह का ग्रीन ग्रीन सा होता है। ये जो दो फीचर्स हैं इनके जो कि फर्न्स के अंदर मौजूद हैं, ये बाकी किसी भी और ग्रुप में मौजूद नहीं होते। ये तो था फर्न्स की क्लास के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।